श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाली नाथ, सुनाओ महात्म्य कार्तिक, राखो सिर पर हाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 19वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं, वह सिर झुकाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो बानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया त्यों ही वे मुड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ दे अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे सील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम्ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने माया से
दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री ला हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर बिछड़ोगे उस समय बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।